गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2, दैट इज कोलाइडर्स। बिफोर दिस टॉपिक इन द लास्ट क्लास आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू the solution and suspension, and in this topic collider solution. What is collider solution? It is an intermediate state between suspension and solution. यह एक मध्य की अवस्था है, यह suspension और solution के बीच की अवस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं, collider। It is an intermediate state between the suspension and solution. In which collider particles, जिसमें कि collider particles क्या करते हैं, collider particles क्या करते हैं क्या? In which collider particles are smaller in size, जिसमें कि collider particles क्या होती हैं, size कैसी होती है, small होती है, छोटी होती है, किसके comparison? As compared to that of सस्पेंशन के कंपैरिजन में कोलाइडर पार्टिकल की साइज छोटी होती है, और सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कोलाइडर पार्टिकल की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। आ गया, मींस दो सॉल्यूशन व्हिच पार्टिकल साइज आर स्मॉलर इन कंपैरिजन टू सस्पेंशन बट हायर इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होने की वजह से सस्पेंशन के कंपैरिजन जो कोलाइडर सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, होमोजीनियस। हमें दिखाई देता है कि कोलाइडर सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू सस्पेंशन कोलाइडर सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजीनियस। लेकिन अगर वास्तव में बात किया जाए तो ये होमोजीनियस नहीं होता, ये कैसा होता है, हेटेरोजीनियस होता है। मीन्स एवरेज कोलाइडर सॉल्यूशन आर हेटेरोजीनियस इन नेचर। ओके, बहुत सी एग्जांपल है, मिल्क हो गया, दूध हो गया, स्मोक हो गया, मिस्ट हो गया, ओस हो गया, मिस्ट ओस कहते हैं, फाग को कुहासा कहते हैं, स्मोक धुआं हो गया, सेविंग क्रीम, सेविंग करने वाली जो क्रीम होती है वो हो गई, ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा, कोलाइडर सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन, कोलाइडर सॉल्यूशन के क्या गुण होते हैं, जो हमने ऊपर डिफिनेशन पढ़ा उसके आधार पे कोलाइडर सॉल्यूशन के क्या गुण होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही होगा कि इट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, या कैसा मिक्सचर होता है, विस्मांगी हेटेरोजीनियस होता है। ओके, जबकि सॉल्यूशन एवरेज क्या होता है, होमोजीनियस। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय कोलाइडर, जो इनके पार्टिकल की साइज होती है वो काफी छोटी होते हुए भी हमें अपनी खुली आंखों से दिखलाई पड़ती है। जैसे मिल्क हो गया, जब इसको हीट कर लेते हो, रख देते हो, तो उसमें जो क्रीम बनता है, जो मलाई पड़ती है, वही उसके पार्टिकल्स थे जो अलग हो गए। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय आवर नेकेड आई। थर्ड पॉइंट, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। जब इस कोलाइडर सॉल्यूशन से, जैसे मिल्क को ले लिया बीकर में और उसमें ग्लास बीकर, उसमें लाइट का फ्लो करती है, तो हम देखते हैं क्या कि पूरा लाइट उस बीकर में फैल जाता है, और
फैलने से क्या होता है, पाथ विजिबल हो जाता है। तो क्लाइड्स आर बिगिनर टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल, और उसके रास्ते को देखने की कोशिश कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर क्लाइडल सॉल्यूशन को हम कभी भी छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स कभी भी बीकर में जाके बैठते नहीं होंगे, लेकिन अगर सस्पेंशन होगा तो उसके पार्टिकल एलवेज सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे सैंड और वाटर को मिला के छोड़ दो, उस समय पास सैंड के पार्टिकल्स बीकर में नीचे सतह पे जाके सरफेस पे अटैच होते हैं, लेकिन मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं जो आपके चाक यूज करते हैं उसके जो पार्टिकल्स है वाटर में एड करने के बाद अगर छोड़ दो तो उसके पार्टिकल्स कभी भी नीचे बैठने वाले नहीं। ओके, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इज क्लाइड इज क्वाइट स्टेबल। और जब नहीं बैठेंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं जो क्लाइडल सोल्यूशन है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्टेबल होता है, मीन्स अस्थायी होता है। यस, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन, डिस्पर्सन डिस्पर्स फेज एंड सेकेंड डिस्पर्सन फेज। फर्स्ट इज डिस्पर्स फेज, सेकेंड इज डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज इज नथिंग सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट आर नोन एज डिस्पर्स एंड सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट्स आर नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। जैसे आपने सोल्यूशन में पढ़ा था कि जो सब्सटेंस कम मात्रा में लिया जाता है, स्मॉल अमाउंट लिया जाता है, वो आपका सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा मात्रा में लिया जाता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। तो क्लाइडल सोल्यूशन में भी जो ज्यादा लिया जाएगा बीकर में, जिसमें आपके डिस्पर्स फेज क्या होंगे मिले हुए, जिसमें ये खोला जाएगा ऐड होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, क्या डिस्पर्सन मीडियम। इसीलिए लिख दिया गया सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होते हैं, ये ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ओके, अगर यहां बात करें इसको लिख भी सकते हैं मोर अमाउंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं लेस अमाउंट या स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट, ओके, तो जो ज्यादा लिया जाए वो आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा, और जिसमें वो ऐड किया जाएगा जिसका कम अमाउंट वो आपका होगा डिस्पर्स फेज। एग्जांपल मैंने लिया गोल्ड साफ, गोल्ड साफ, गोल्ड का साफ या गोल्ड का क्लाइडल सोल्यूशन। इस गोल्ड के साथ में है क्या, ये बना होता है इसके साथ गोल्ड एंड वाटर, गोल्ड प्लस वाटर। अब यहां पर ज्यादा क्या किया जाएगा आपका वाटर, और कम क्या लिया जाए गोल्ड। वाटर की गोल्ड ए यू सिंबल, वाटर का एच टू, तो ये आपका ज्यादा लिया जाए तो ये आपका कैसा मीडियम हो गया, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। और ए यू आपका कैसा मीडियम हो गया, तो कम लिया जाए ये इसमें खोला जाएगा तो ये आपका डिस्पर्स फेज हो। देखिए यहाँ दो स्टेट अलग अलग, ज्यादा लिया जाए तो रिजल्ट मैंने बढ़ा दिया है, वाटर ज्यादा लिया जाए डिस्पर्सन मीडियम हो गया। अब इसमें क्या बोला गया गोल्ड, तो ये क्या हो गया डिस्पर्स फेज हो। ओके, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन, डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज। ओके, अंडरस्टैंड, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन एंड इन योर एनसीईआरटी बुक all the 9 types and their examples are given. These 9 types are solid. जितने भी 9 types के होते हैं अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे types ऑफ क्लाइडल सोल्यूशन 9 types कितने होते हैं बेटा, 9 types के क्लाइडल सोल्यूशन होते हैं जो तीनों टाइप के स्टेट से मिलकर बने होते हैं। एक आपका डिस्पर्स फेज, एक आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा, और उसके आधार पे ये 9 टाइप्स आपके बनते हैं क्लाइडल
सोल्यूशन की ओके यस देयर नाइन टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के आधार पर नाइन टाइप्स के कोलाइडल सोल्यूशन अब देखिए जिसमें डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट भी हो डिस्पर्सन मीडियम क्या हो सॉलिड हो और डिस्पर्सन के सॉलिड लिक्विड या गैस वो आपके क्या कहलाते हैं सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन वेल डिस्पर्सन मीडियम ओनली सॉलिड बट डिस्पर्स फेज में भी सॉलिड लिक्विड और गैस तो सॉलिड और सॉलिड मिलेगा तब भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड लिक्विड मिलेगा तब भी कोलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड गैस मिलेगा तब भी कोलाइडल सॉल्यूशन आपके बनेगा ओके सेकेंड व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज ओनली लिक्विड एंड डिस्पर्स फेज सॉलिड लिक्विड आर गैस लिक्विड सॉलिड बनेगा लिक्विड लिक्विड बनेगा जैसे वाटर हो गया मिल्क हो गया आयल हो गया लिक्विड गैस बनेगा सब में डिस्पर्सन मीडियम से व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज ओनली गैस सेम एक नाइन टाइप्स ऑफ लाइटर डिस्पर्सन मीडियम गैस एंड डिस्पर्स फेज इज सॉलिड लिक्विड गैस गैस सॉलिड गैस लिक्विड गैस सबसे क्या बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है लास्ट में और सबके एग्जांपल में लिखे गए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए ओके थैंक यू।